नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यार विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर में मुस्लिम सुधार आंदोलन का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, उस समय में जब हिंदू समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे। हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार हुआ था, ऐसी स्थिति में मुसलमानों के अंदर भी, मुस्लिम समाज में भी जो कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए कई समाज सुधारक आगे आए थे। इनमें सैयद अहमद बरेलवी ये एक ऐसे विचारक थे जो पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजी शिक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ थे और इन्होंने मुस्लिम जगत में पुराने पारंपरिक नियमों व सिद्धांतों का समर्थन किया और इसके लिए उन्होंने बहावी आंदोलन चलाया था। इसके बाद सर सैयद अहमद खान, ये कट्टर मुस्लिम थे, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हुए थे, इस कारण से इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता व अंग्रेजों के पक्ष में मुस्लिमों को जोड़ा। मुसलमानों के आधुनिकीकरण व अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर है वो रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाकर अंग्रेजों के कायदेबंद साबित किए वो हुए थे। इन सभी से पहले हम ये देखते हैं कि मुस्लिम समाज में क्या क्या कुरीतियाँ आई हुई थी। तो देखिए, मुस्लिम समाज उस समय में दो वर्गों में विभाजित था। एक तो उच्च अभिजात वर्ग और दूसरा जनसाधारण। दूसरे वर्ग में अधिकांश मुसलमान जो धर्म परिवर्तन होकर अर्थात हिंदू से मुसलमान बनकर आए थे वे माने जाते थे। उच्च अभिजात वर्ग के जो मुसलमान होते थे उनका राजनीतिक प्रभुत्व था, लेकिन 18वीं व 19वीं शताब्दी में इनका राजनीतिक प्रभुत्व भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था और ये वर्ग राजनीतिक प्रभुत्व पर इतना आदि हो गया था कि इसने कभी भी व्यापार और व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि राजवंश या शासकीय वर्ग से होने के कारण मुस्लिम समाज के प्रथम वर्ग को सरलता से धन प्राप्त हो जाता था और सरलता से धन प्राप्त होने के कारण इन्होंने कभी भी कठोर परिश्रम या मेहनत नहीं की और धीरे धीरे इन पीढ़ियाँ अकर्मण्य बन चुकी थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह वर्ग दिखावे के रूप में प्रतिष्ठा रखता था, अपितु अंदर से वो खोखला
हो गया था। और 1857 के महासंग्राम के बाद तो जब भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को हटाकर रंगून जेल भेज दिया गया तो इनकी प्रतिष्ठा को और भी आघात को लगा था। उच्च वर्ग के मुसलमान रूढ़िवादी कौन थे, वे परिवर्तित परिस्थितियों से अनजान थे। इसके परिणाम स्वरूप यह वर्ग पिछड़ता जा रहा था। समय के साथ साथ जो वर्ग बदला जाता है तो वह तो विकास की राह पर चल पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ जो वर्ग विकास नहीं लाता है वह पिछड़े रूप में ही रह जाता है। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस वर्ग को परिवर्तित परिस्थितियों से परिचित कराना कि समय बदल चुका है और समय की मांग के अनुरूप हमें भी बदलना होगा एवं पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना था। इस तरह हम मान सकते हैं कि मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे वो भी हिंदुओं की समाज सुधारों के समान ही मान सकते हैं। इसके लिए कई प्रयास किए गए थे। कुछ मुस्लिम सुधारकों ने यह भी बताने का प्रयत्न किया कि सामाजिक जीवन कुरान पर आधारित नहीं होता है, किंतु ऐसे सुधारकों का प्रभाव बहुत कम था। और अभी जैसे अपने देखा कि मुस्लिम सुधार आंदोलन का आरंभ सर सैयद अहमद बरेलवी से हुआ था और ये पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता के कट्टर विरोधी थे। सर सैयद अहमद बरेलवी ने अपने विचार मुस्लिम जनता तक पहुंचाए और मुसलमानों की आर्थिक स्थिति शिक्षा और राजनीतिक प्रगति के बारे में जितना कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया उतना कार्य किसी और ने नहीं किया। इसके अलावा मुसलमानों को आधुनिक पाश्चात्य सोच व विचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान था सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चलाया, मुसलमानों की आत्मनिर्भरता और मदद और उन्हें आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खान को जाता है। और इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन वो चलाया था। अब हम कुछ सर सैयद अहमद खान का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा मिल गई। 1857 के विद्रोह के समय
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों की विशेष सेवा की थी, जिससे अंग्रेजों की सद्भावना उन्हें प्राप्त हो गई थी और इस सद्भावना का उपयोग अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के हितों में लगा दिया था। उस समय भारतीय मुसलमान अपने अतीत में खोए हुए थे और उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी शिक्षा व सभ्यता से अलग कर रखा था और ऐसी स्थिति में सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में पहला तो अंग्रेजों व मुसलमानों के बीच में संबंध ठीक करना, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को उत्तरदायी माना था और उस समय में भारत में मुस्लिम बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासन था। अंग्रेजों ने उन्हें दोषी मानते हुए रंगून म्यांमार भेज दिया, तो वो संबंध ठीक करने थे। दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, अर्थात मुसलमान जो अभी तक पुरानी रूढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ऐसे मुसलमानों में शिक्षा का पुनः प्रचार करना था। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को समझाया कि हम सरकार के वफादार बनकर वफादार रहकर अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं और अंग्रेजों के प्रति पुनः मुसलमानों को जोड़ने लगे। अंग्रेज भी इसी मौके की ताक में थे, क्योंकि उनका भी मानना था कि भारत में दो धर्म मेजर हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। अगर इनमें से दोनों धर्म अलग हुए, मुस्लिम धर्म अपने पक्ष में हो गया, तो हम फूल डालो राज करो की नीति के तहत लंबे समय तक भारत में अपना शासन कर सकेंगे। और वो उन्होंने किया भी। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया और अंग्रेजों ने 1864 में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल है वो स्थापित करवाया था। एक वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना की और वे लंदन चले गए थे। इसके बाद उन्होंने 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज को आधुनिक तौर तरीकों से जोड़ने पर लेख प्रकाशित किए। सर सैयद अहमद खान ने रूढ़िवादी मुसलमानों की सोच को बदलने के लिए, कुरान का अर्थ समझाने के लिए उसकी नई व्याख्या दी थी और उसका मुख्य आधार था कि समस्त सृष्टि का निर्माता ईश्वर है
और वही कुरान का रचयिता है। अतः कुरान वास्तविक स्थिति से भिन्न नहीं हो सकती, हदीस भी न तो कुरान के विरुद्ध हो सकती है और न ही वास्तविकता से भिन्न हो सकती है। इस तरह उन्होंने मुस्लिम समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी। अहमद खान ने मुस्लिमों को हज करने, जकात बांटने, मस्जिद बनवाने आदि पर ज्यादा ध्यान न देकर पश्चिमी शिक्षा पद्धति को अपनाने पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिमों में शिक्षा के लिए कई कार्य किए और जिससे मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हंटर कमीशन का समर्थन भी है वो किया था। 1875 ईस्वी में मुसलमानों की शिक्षा के लिए एक विशेष शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था जो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना जाता है और यह विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित हुआ और इसके माध्यम से कई प्रकार के मुस्लिम समाज में बदलाव आए और उनका पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो बना था। सर सैयद अहमद खान की मान्यता थी कि इस संस्था के अध्ययन कर निकले हुए विद्यार्थी समाज में परिवर्तन लाएंगे, समाज का विकास होगा। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मेलजोल बढ़ाने पर भी ध्यान है वो दिया था। इस तरह उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह, स्त्रियों को कमजोर मानना जैसी कुरीतियों का खंडन भी किया था। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के कट्टर विरोधी हुए थे और इसी कारण उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल, ऑर्की बोर्ड और कॉलेज के मंत्री नवाब मोशीउल मुल्क की प्रेरणा से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी है वो की थी। इस तरह उन्होंने मुस्लिम समाज में आए हुए दोषों को दूर करने का प्रयास है वो किया था। धन्यवाद।